वंदे मातरम टू ऑल ऑफ यू. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फिगर्स ऑफ स्पीच. जनरली वी आर नॉट अवेयर ऑफ द वर्ड्स फिगर्स ऑफ स्पीच, बट इन अ लैंग्वेज और पर्टिकुलरली इन लिटरेचर वी हैव फेस सर्टेन वर्ड्स दैट मेक्स द सेंटेंस मोर ब्यूटिफुल. These words are called figures of speech. हिंदी में हम उनको अलंकार वगैरह के रूप में कहते हैं. कुछ figures of speech हैं जिनका प्रयोग मेजर रूप से होता है. सिमिली, मेटाफर, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, पन, ये कुछ figures of speech हैं जिनका प्रयोग ज़्यादातर poems के अंदर होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल सिमिली, सबसे पहले सिमिली से शुरुआत करते हैं. अ सिमिली इज अ कंपेरिजन. सिमिली क्या है? एक कंपेरिजन कहते हैं तुलना करने को. तुलना की भी होती है किसकी? ऑफ टू थिंग्स, दो चीजों की. ऑफ डिफरेंट काइंड्स, दोनों चीजें अलग अलग प्रकार की होती है, एक प्रकार की नहीं होनी चाहिए, दोनों अलग अलग प्रकार की होनी चाहिए. Which have one or more points of resemblance, लेकिन उनके अंदर, दोनों चीजों के अंदर एक या एक से ज्यादा उनके अंदर गुण होने चाहिए जो समान होने चाहिए. यानी चीजें तो डिफरेंट है लेकिन उनके जो अंदर गुण है वो आपको कम से कम एक या एक से ज्यादा समान गुण दिखाई देंगे. This is done, ये जो comparison किया जाता है by the use of words, वो कुछ शब्दों को प्रयोग में लेकर किया जाता है. सच, वो शब्द जो हैं वो हैं like और as, इन शब्दों को उपयोग में लिया जाता है simile के अंदर. For example, उदाहरण के तौर पर ये एक sentence है, the girl sang like a nightingale. इसके अंदर दो अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट्स हैं, दो चीजें हैं अलग. कौन सी? एक तो है लड़की और एक है एक बर्ड. नाइटिंगेल जो होता है बुलबुल, वो बर्ड, उसके बारे में बात है. दोनों अलग अलग प्रकार के हैं लेकिन उनके अंदर एक गुण समान है. वो गुण कौन सा समान है? क्वालिटी जो है वो समान कौन सी है? सेंग. सेंग मतलब गाया. सिंग की सेकेंड फॉर्म है. गाना गाने की जो दोनों के अंदर क्वालिटी है वो समान है, यानी दोनों अच्छा गाते हैं. और जो कंपैरिजन किया गया है वो कौन से वर्ड को यूज में लेकर किया गया है? लाइक को. एक अन्य उदाहरण के तौर पे हम इसको समझ सकते हैं, रमेश रन्स लाइक अ हॉर्स. रमेश जो है वो किसके समान दौड़ता है? हॉर्स के समान. हॉर्स भी तेज दौड़ता है और रमेश भी तेज दौड़ता है, तो दोनों के अंदर एक कॉमन क्वालिटी है, ये कहलाती है सिमिली. सेकंड जो फिगर ऑफ स्पीच है जिसको हम कहते हैं मेटाफर, इट इज ऑल्सो ए कंपेरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स बट विदाउट द यूज ऑफ लाइक एंड एज और विदाउट कंपेरिजन. ये भी एक प्रकार की सिमिली के जैसे ही होता है मेटाफर भी, लेकिन इसके अंदर लाइक और एज का प्रयोग नहीं होता है. ये एक डायरेक्ट कंपैरिजन है, सीधे तौर पर कंपैरिजन है. इसमें कोई कंपैरिजन वाले वर्ड यूज में नहीं होते. कैसे? अ मेटाफर इज अ वर्ड यूज फॉर ट्रांसफरिंग द क्वालिटी. मेटाफर एक ऐसा शब्द है जो क्या काम करता है? ट्रांसफरिंग द क्वालिटी, जो गुण होता है ऑफ वन ऑब्जेक्ट, एक चीज का जो गुण होता है वो दूसरी चीज या वस्तु के ऊपर ट्रांसफर करने का काम, स्थानांतरण करने का काम करता है विदाउट द यूज ऑफ कंपेरिजन, बिना उनके अंदर तुलना किए. यानी मेटाफर के अंदर तुलना नहीं होती है, बिना तुलना के ही दोनों एक साथ यूज में आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया. कालिदास को शेक्सपियर कहा गया है, कहाँ का? भारत का. अब यहाँ पे कुछ
कॉमन चीज है दोनों के अंदर, तो दोनों के अंदर कॉमन चीज वो है कि दोनों का जो लेखन है वो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन इसके अंदर लाइक और एज का प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं कोई कंपैरिजन जैसे वर्ड का प्रयोग हुआ है। यहां पे जैसे सेंग है वो दोनों के अंदर क्वालिटी बताइए सिमिली के अंदर, लेकिन यहां कोई भी क्वालिटी नहीं बताइए। इसको इम्प्लाइड भी कहते हैं, छुपी हुई रहती है इसके अंदर कंपैरिजन जो है। जैसे उसमें हमने सिमिली के अंदर उदाहरण लिया था, रमेश रन्स लाइक अ हॉर्स। अगर हम इस सेंटेंस को इस रूप में कहें, रमेश इज अ हॉर्स, यहां पे रन्स जो है वो ओमिटेड है, गायब है। तो जब कंपैरिजन गायब रहता है तो वो क्या चीज कहलाती है? मेटाफर कहलाती है।